दोस्तों कुवैत से इंडिया जाना है, कपिल को बिना बताए तो कैसे जा सकते हैं? क्या हम कपिल को बिना बताए अपना टिकट करवा कर इंडिया से कुवैत आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों सबसे पहले पॉइंट ये है कि अगर आप अरबी को बिना बताए घर जा सकते हो तो वापस आते हो ना, तो आपका हर रास्ता बंद हो जाता है कुवैत आने के लिए। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि आप वापस आ सकते हो। अब रही बात की अगर आप अरबी को बिना बताए घर कैसे जाओगे, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए और सिविल आईडी कार्ड यहाँ का चाहिए, दोनों ही वैलिड होना चाहिए। तो आप इस हालात में आप बिना कपिल को बताए आप अपनी कंट्री जा सकते हो। अब इंडिया से वापस आओगे, आपकी सिविल आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, तो आप अपना टिकट करा के कुवैत पहुंच सकते हो। लेकिन इस दोनों में अलग अलग है। अगर आपका कुवैती आपके जाने के बाद आपके ऊपर केस कर देता है तो आप नहीं आ पाओगे, आपका हकामा कैंसिल कर देता है तो आप नहीं आ पाओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पासपोर्ट हमारे पास होता है, हम चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पासपोर्ट और सिविल आईडी कार्ड दोनों हमारे पास नहीं होता है। बहुत सारे भाइयों के पास सिविल आईडी कार्ड नहीं है, बहुत सारे भाइयों के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो इस हालत में अपनी कंट्री नहीं जा सकते हैं। कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो या घर परिवार में किसी का डेथ भी हो जाती है तब भी इस हालात में वो नहीं जा सकता है। जब तक कि आपका कपिल आपको पासपोर्ट ना दे दे तब तक आप नहीं जा सकते हैं। अगर सिविल आईडी कार्ड भी नहीं दिया तो भी आप नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आपके कपिल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्योंकि बहुत सारे भाई हैं बिना सोचे समझे वो कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, कपिल को बिना बताए जा सकते हैं और बिना बताए आ सकते हैं? आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपके पास दो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप इंडिया जा रहे हो और इंडिया से वापस आ रहे हो तो आपको दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट और सिविल आईडी कार्ड। इस दो में से एक भी अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। ये हो गया पॉइंट। बहुत सारे भाई हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया से हम आएंगे तो हमें कितना खर्चा लग जाएंगे, कितने पैसे में हम पहुँच सकते हैं? तो दोस्त वो डिपेंड करता है आपका जो वीज़ा दे रहा है उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया का नॉर्मली खर्चा होता है वो हम बता देते हैं आपको कि आपका वीज़ा स्टॉपिंग का 10 से 12 हज़ार चले जाते हैं, 7 से 10 हज़ार मेडिकल के चले जाते हैं। आप टोटल कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा, जो कि आप इंडिया से कुवैत तक पहुँचने का आपका खर्चा है ना वो इतना ही रहेगा। उसके बाद में आपका फ्लाइट है जो रेट चल रही है 22 है, 20 है, 17 है, 16 है, कितना हज़ार में आपका फ्लाइट बुक होती है वो आ जाती है। नॉर्मल अगर हम बोल दें कि 15 से 17 तो 10, 10, 20 यानी 20, उसके बाद में 17 और ऐड कीजिए आपका तक हो गया 37। और अब जोड़ लीजिए इमिग्रेशन की, अगर इमिग्रेशन के आपका पासपोर्ट ECNR है या ECNR नहीं है तो आपको इमिग्रेशन लगेगा। तो इमिग्रेशन के आप किस स्टेट के हो उसके हिसाब से तय होता है, कई बार 5 से 7 हज़ार में हो जाता है, कई बार 7 से 10 भी लग जाता है। तो वो आपके और जो आपका ऑफिस वाला है कॉन्टेक्ट है उसके ज़रिए आपको पता चलता है, यानी 37 और 10 भी जोड़ ले तो 47 आपका टोटल यहाँ तक कुवैत से इंडिया पहुँचने का खर्चा आता है। सिर्फ ये कुवैत का है, सऊदी का अलग होता है, दुबई का अलग होता है दोस्तों। लेकिन अगर कुवैत की बात की जाए तो 47 तक आप कुवैत पहुंच सकते हो, राउंड फिगर आप 50 बांध सकते हो। अगर आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तब ये खर्चा आपको इंडिया में लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपको यहाँ से बुला रहा है कपिल वो आपको टिकट दे देता है, तो आपके 17,000 रुपये 18,000 जो भी टिकट का प्राइस है वो आपका बस जाता है। ये एक रियल बात है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि कंपनी और कपिल आपको टिकट देता है। अगर आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आप कुवैत कंट्री आना चाहते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिए,
50,000 यानी 50,000 में आपका वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो आप पहुंच सकते हो। इससे पहले आप नहीं पहुंच सकते हो दोस्तों, ये आपको नॉर्मली पे करना ही पड़ेगा। आप किसी भी ऑफिस के जरिए, किसी भी कंपनी के जरिए या किसी भी बंदे के जरिए आओ आना चाहोगे तो आपको ये पे करना होगा दोस्तों। बहुत सारे भाई मुझे मैसेज करते हैं कि महबूब भाई आप एक ऑफिस का हमें एड्रेस दे दीजिए। महबूब भाई खुद ऑफिस पे भरोसा नहीं करता है तो आपको कैसे एड्रेस दे देगा, ठीक है। और ये जो वीजा का काम है ना दोस्तों, ये दो नंबर का है, कोई भी करे ये दो नंबर का है। यहाँ फ्रॉड बहुत होता है, सोच समझ के करना, क्योंकि आपके पैसे से ही हो दो पैसे वीजे के पीछे अर्न करते हैं ऑफिस वाले। आपके ही पासपोर्ट के पीछे, आपकी ही वजह से वो 10,000, 15,000 और कई कई बार 40-50 तक भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि इंसान की जो खोपड़ी होती है ना, वो हवस की खोपड़ी होती है, वो कभी भी नहीं भरती है। अगर महीने में एक से दो बंदे ऑफिस के चक्कर में फंसते हैं तो दोस्तों आप मान के चलो कि आपसे पैसे वसूले जाएंगे 1,00,000, 1,20,000, 1.5 लाख तक। और जो भी इंडिया कंट्री से यहाँ काम कर रहा है भाई मेरा, और जिसका कोई नहीं है जान पहचान वाला, उससे आप कभी अकेले में मिलना, उसकी दिल की बात समझने की कोशिश करना। आपको वो दिल से बताएगा कि मैं कितने पैसे लगा के आया हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये बात का एग्रीमेंट है, मेरे पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट कुछ भी काम नहीं आता है। आपका कपिल आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप इंडिया से आने के बाद में आप कितना टाइम में घर जा सकते हैं। अगर आपका कपिल अच्छा है, आप 6 महीने में बोलोगे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे इंडिया में ये प्रॉब्लम का फेस करना है, तो आपका कपिल 6 महीने में भी भेज सकता है और आपकी कंपनी भी भेज सकती है। इसके लिए आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कंपनी को कैसा काम दे रहे हो, आप कंपनी के साथ कैसा व्यवहार है आपका, कैसा आपका चलना बैठना कंपनी के साथ काम करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे भाई है कि हमें इतना टाइम हो गया, हम परेशान हैं, क्या हम अपनी कंट्री जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन दो सूरत में जा सकते हैं। पहला, आप एमबीसी के तरीके से जा सकते हैं। दूसरा, आप कंपनी के और आपके कपिल के साथ समझौता करके आप जा सकते हैं। हो अगर आपको छुट्टी दे तो आप जा सकते हैं, हो अगर आपको छुट्टी नहीं देगा तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है एमबीसी वाला, उसके जरिए ही जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर चीज आप देखिए, हर चीज आप समझिए, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है ये खुद आप तय कीजिए। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो, क्योंकि अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट बने तो वो अगला बंदा आपसे फायदा उठाना चाहेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि आपके पीछे हो फायदा उठाना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ है आप खुद डिपेंडेंट बने तो आप कामयाब हो जाओगे। और जो भाई पैसे लगा के इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज ठान लीजिए, करो या मरो वाला फैसला करना, कुछ अपनी कंट्री लेके जाना है। ऐसा नहीं कि 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ और अब हम घर जा रहे हैं तो आप लेके जाओगे दोस्तों, जीरो अर्न करोगे। तो इसीलिए मेरा जो भी यूजर है, वीडियो देखता है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भाई नया आने वाला है वीडियो उन तक पहुंच जाए। हो सकता है कि आपकी हेल्प से और या हमारे बोलने से अगर एक भी भाई डिपेंडेंट बन गया ना, तो अपनी लाइफ में वो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि कई बार केसों में ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता है, और कई बार हमें बिना सोचे समझे सब कुछ मिल जाता है और लाइफ में परेशानी आएगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही इंसान सुकून में नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको तय करना है, आपकी लाइफ आपके हाथ में, किसी और के ऊपर
ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि खुद डिपेंडेंट बन जाओ। दुनिया का काम है उंगली उठाना, एक दुनिया उंगली उठाती है तो ये देख लीजिए चारों उंगली वापस आ रही है ना, मेरे अंदर ही आ रही है। इसलिए खुद डिपेंडेंट बन जाओ, दुनिया को कीजिए साइड में, कल यही दुनिया आपको मैसेज करेगी। लव यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाजत। आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ हेल्प हो जाएगी, और इस वीडियो के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो अब चाहते हैं हम आपसे